औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनजानी दुनिया के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, साइंसदान आज भी इंसान की नींद को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, जबकि इंसान अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा सोकर गुजारते हैं और ज़िंदा रहने के लिए यह नींद इंतहाई ज़रूरी होती है। इंसानों के अलावा जानवर भी सोते हैं, लेकिन इनके सोने के बारे में हकायक इंसानों से कई ज़्यादा मुख्तलिफ और दिलचस्प हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका सोने का अंदाज़ नहायत ही दिलचस्प है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे चमगादड़ के बारे में। दोस्तों, हम में से अक्सर अफराद ये जानते हैं कि चमगादड़ उल्टे लटक कर सोते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये कितना तवील सोते हैं। भूरे रंग के चमगादड़ तवील वक्त तक सोते हैं, जो कि तकरीबन 20 घंटे बनते हैं। दूसरे अल्फाज में ऐसा भी कह सकते हैं कि चमगादड़ पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे के लिए बेदार होते हैं। दोस्तों, ज़राफ़े बहुत कम सोते हैं, लेकिन जब ये सोते हैं तो इनका अंदाज़ इंतहाई दिलचस्प होता है। ये अपनी कमर पर सर रख कर सोते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शिकारियों की नज़र से बचे रहें। दोस्तों, डॉल्फिन सिर्फ एक आंख से सोती है और सोने के दौरान इसकी एक आंख खुली रहती है और आधा दिमाग भी बेदार होता है। इस तरह डॉल्फिन तैरते हुए शिकारियों को देख सकती हैं। दोस्तों, ये ख़ास किस्म की मेंढक है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी नहीं सोते। ये हकीकत 1967 में होने वाली एक तहकीक के दौरान सामने आई। ताहम साइंसदान अभी भी इस मामले पर तकसीम हैं, क्योंकि ये इस किस्म की वाहिद तहकीक थी और अभी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप मताला करें तो इसे ये पता चलता है कि बतख के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से आज़ादाना तौर पर सोते हैं, यहाँ तक कि दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा और एक आंख खुली होती है। इस बतख को खतरे से बचने में सिर्फ 1 सेकंड का 5वां हिस्सा लगता है। दोस्तों, शार्क की कुछ अकसाम को सोने के दौरान लाजमी तौर पर हरकत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी अपनी ऑक्सीजन हासिल करती रहती हैं। बाज़ शार्क समंदर की तह में सोती हैं, लेकिन इनके जिस्म से ताकतवर करंट खारिज होता है। दोस्तों, घरेलू बिल्ली की ज़िंदगी अपनी जंगली आबो अजदाद से मुख्तलिफ होती है। घर में पाली गई बिल्लियों को शिकार के लिए, अपनी तोानाई बचाने के लिए दिन भर का बेशतर हिस्सा सोना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो आने तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निकेपान।